चलिए अभी हमें बात करनी है अबाउट पेजिंग, ठीक है। मैंने ऐसे टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि इस टॉपिक का नाम पेजिंग है, बट टुडेज टॉपिक इज पेजिंग, ठीक है। अब अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी प्रीवियस क्लासेस में जो हमने बात की थी वो हम ये कह रहे थे कि बेटा जब हम मेन मेमोरी से डेटा को कैश में लाएंगे तो उसे कैसे रखना है, और फिजिकल एड्रेस को किस तरीके से हम कैश के लिए एड्रेस जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमें बात करनी है कि जब भी सीपीयू जो है सेकेंडरी स्टोरेज से कोई डेटा को एक्सेस करना चाहेगा, ठीक है, मतलब अगर प्रोसेसर जो है सेकेंडरी मेमोरी के लिए एड्रेस जनरेट करता है तो हम उसे किस तरीके से मैप करेंगे टू मेन मेमोरी, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्रोसेसर इज जनरेटिंग एड्रेस फॉर मेन मेमोरी, देन हाउ वी विल मैप दिस एड्रेस टू कैश, ओके, किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे कि सेम मतलब उस एड्रेस को हम कैश के लिए यूज कर पाए। लेकिन अब जब हम पेजिंग की बात करेंगे सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू ट्रांसफर द डेटा, हाउ वी कैन टेक द डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एंड हाउ वी विल पुट दैट डेटा इनटू मेन मेमोरी, ओके। तो कहानी बदल गई है, कहानी ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस इन इन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्रोसेसर और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सीपीयू वी हैव टू ट्रांसफर दीज कंटेंट्स इनटू मेन मेमोरी, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि जब सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डेटा मेन मेमोरी में आता है तो क्या एक्टिविटीज होती हैं, और जो एड्रेस सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जनरेट किया गया है उस एड्रेस को हम मेन मेमोरी के एड्रेस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ओके। अच्छा, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस इन्वॉल्व इन केस ऑफ पेजिंग, ओके। फर्स्ट वन इज लॉजिकल एड्रेस एंड सेकेंड वन इज फिजिकल एड्रेस, ओके, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, राइट। अच्छा, अब लॉजिकल एड्रेस क्या है, जो एड्रेस सेकेंडरी मेमोरी के किसी भी प्रोसेस के लिए जनरेट होगा, आई रिपीट, इफ एड्रेस इज बीइंग जनरेटेड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज और प्रोसेस स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि अगर सेकेंडरी स्टोरेज के लिए कोई एड्रेस जनरेट हो रहा है तो आप उसे क्या कह सकते हैं, दैट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस, ऑल्सो नोन एज वर्चुअल एड्रेस, ओके। एंड नेक्स्ट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, वी नीड टू कन्वर्ट दिस लॉजिकल एड्रेस इंटू फिजिकल एड्रेस, ओके, क्यों, क्योंकि जो प्रोसेसर है एक्चुअली वो डेटा कहाँ से उठाता है, वो उसे क्या पता है, उसे तो ये पता है कि आई एम टेकिंग दैट डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, ठीक है। सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, ओके। डेटा जो है, देखो क्या प्रोसेस क्या होता है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी कि प्रोसेसर अगर किसी चीज की डिमांड करता है, ठीक है, तो सीक्वेंस में कौन है, सबसे पहले प्रोसेसर के पास कौन लगा हुआ है, कैश लगा हुआ है, कैश के बाद मेन मेमोरी लगा हुआ है, ओके, मेन मेमोरी के बाद हमारा कौन आ रहा है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ भले ही प्रोसेसर को जो चीज़ चाहिए वो सेकेंडरी स्टोरेज में है, बट प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस होगा कि यू हैव टू ब्रिंग दैट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी, ओके, देन यू विल ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी। तो यहाँ से यहाँ पे जो डेटा मेन मेमोरी से कैश में जो लाने वाला प्रोसेस है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। अब हम ये वाली बात कर रहे हैं कि जब सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में डेटा आता है देन विच टेक्निक इज बीइंग यूज्ड, ओके। सो वी आर यूजिंग टू टेक्निक्स,
ओके, दो तरीके से हम ये काम करते हैं। एक होता है, हम कहते हैं उसे पेजिंग, और दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। ओके, आर यू गेटिंग दिस? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेजेस पोस्ट करते रहिएगा, मैं टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ, ठीक है? तो मुझे पूछना ना पड़े। ओके, सो हम पेजिंग को क्यों यूज़ कर रहे हैं कि पेजिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को मेन मेमोरी में लेके आते हैं। ओके, अच्छा, अब सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, और दिस एड्रेस इज फॉर सम प्रोसेस स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, अच्छा, अब पहली चीज़ हमें क्या देखना है कि भाई आपका जब पेजिंग की बात करते हैं, जब भी हम पेजिंग की बात करते हैं, तो हम जो है अपनी मेन मेमोरी को फिक्स फिक्स साइज के पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है? और हर एक पार्ट को हम फ्रेम कहते हैं। ओके, हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या अजम्पशन लिया है, वी आर दिस इज अजम्पशन, ठीक है? प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, और हो सकता है किसी दूसरे पेज में, दूसरे बुक में, या कहीं और अलग अलग अजम्पशंस लिए गए हो, बट वी आर टेकिंग अजम्पशन दैट फ्रेम साइज इज इक्वल टू 2 बाइट्स, ठीक है? कि हमारे पास जो पार्टीशन बनाया गया है मेन मेमोरी में, वो 2 बाइट का पार्टीशन है। ओके, सो ये इसे हम क्या कह रहे हैं? फ्रेम्स कह रहे हैं, ठीक है? दीज आर फ्रेम्स, ठीक है? फ्रेम्स क्या है? मतलब आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज का कंटेंट है, वो उठ के कहाँ आएगा? यहाँ फ्रेम में आएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि आपका जो प्रोसेस है, अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या किया? सेकेंडरी स्टोरेज को पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया, एंड ईच पार्टीशन ऑफ 2 बाइट्स, ठीक है? एंड कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज 16 बाइट्स। ओके, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज 16 बाइट, फ्रेम साइज 2 बाइट, तो नंबर ऑफ फ्रेम आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू 16 बाई 2 मीन्स 8। ओके, सो वी आर हैविंग 8 फ्रेम्स इन मेन मेमोरी। ओके, अच्छा, अभी अब एक क्वेश्चन है जो मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ। अगर मेरे पास कोई प्रोसेस है, ठीक है, सपोज मैं एक प्रोसेस P1 की बात कर रही हूँ, एक प्रोसेस P1 है, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है, ये आपका 4 बाइट का है, दिस इज ऑफ 4 बाइट। ओके, 4 बाइट का प्रोसेस है, एंड और मुझे इसे प्रोसेसर ने इस प्रोसेस की डिमांड की है, ठीक है? ये प्रोसेस प्रोसेसर को चाहिए। ओके, तो अगर ये सेकेंडरी मेमोरी में है, वी हैव टू ब्रेक दिस इनटू मेन मेमोरी, ठीक है? अब भाई ये तो 4 बाइट का है, मेन मेमोरी में हमने 2 2 बाइट के पार्टीशन बना के रखे हैं, तो क्या हम इसको ला सकते हैं मेन मेमोरी में? हाँ, हम इसको मेन मेमोरी में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते भाई, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो ये 2 2 बाइट का स्पेस बन गया है ना, आप 4 बाइट का डेटा कहाँ ला सकते हैं, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज, मेन मेमोरी का फ्रेम साइज क्या है, उस बेसिस पे चाहे सीपीयू जिस प्रोसेस के डिमांड करे, चाहे वो प्रोसेस P1 हो, चाहे वो प्रोसेस P2 हो, एनी ऑफ प्रोसेस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू पेजेस, ठीक है? हर एक प्रोसेस को हम किस में डिवाइड कर ले रहे हैं? पेजेस में, ठीक है? और ये पेज का क्या साइज होगा? पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रेम साइज। अगर आप कह रहे हो हमने मेन मेमोरी को किस साइज में पार्टीशन किया है, 2 2 बाइट का पार्टीशन बनाया है, सो वी हैव टू डिवाइड आर प्रोसेस इनटू 2 2 बाइट पार्टीशंस। दो दो पार्ट में हमें इसे भी डिवाइड करना होगा, एंड दीज पार्टीशंस ऑफ द प्रोसेस आर नोन एज पेजेस, ठीक है? इसी से इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? पेजिंग कहते हैं, ठीक है? और आर प्रोसेस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू पेजेस, ठीक? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सो लेट सी, प्रोसेस साइज इज इक्वल टू 4 बाइट, एंड पेज साइज इज इक्वल टू 2 बाइट, ठीक है? पेज साइज इज इक्वल टू 2 बाइट, सो नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 2।
ठीक। अच्छा, अब आगे की कहानी देखते हैं कि भाई हम इसको मेन मेमोरी के पास लाएंगे कैसे, ठीक है, इसको कहाँ रखा जाएगा। तो सीधा सा तरीका है भाई, आपको मेन मेमोरी में किसी प्रोसेस को लाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड इट इनटू पेजेस, ठीक है। दूसरी चीज कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी पेज को मेमोरी में जहाँ पे कोई फ्रेम फ्री है वहाँ पे आप उठा के उसे रख सकते, ठीक है। ओके, देखो तो हमारा जो ये प्रोसेस है इसको हमने उठा के कहाँ पे रखा है, देखो आर अजम्पशन इज कि हमारा जो पेज नंबर 0 है, देखो दो पेजेस में डिवाइड किया है, नंबरिंग आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि चाहे हम एड्रेस की नंबरिंग करें चाहे पेज की नंबरिंग करें, हम हमेशा 0 से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने 4 बाइट के प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है 0, पेज नंबर 0, एंड सेकेंड वन इज पेज नंबर 1, ठीक। अच्छा, तो इसे मुझे मेन मेमोरी में लाना है। ओके, तो मेन मेमोरी में हम लाएंगे तो देखेंगे कि कहाँ जगह फ्री है। देखो हमने इसको जो 0 एंड 1, फ्रेम नंबर 0 एंड 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, देखो मैंने लाइन से इसको फिल कर रखा है, दिस पोर्शन इज ऑक्यूपाइड, फिल्ड है, 1 सेकेंड, ये दिस पोर्शन इज ऑक्यूपाइड, ठीक है, दिस पोर्शन इज ऑक्यूपाइड एंड दिस पोर्शन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, प्रोसेस 0 प्रोसेस 1 को जब हम मेन मेमोरी में लाएंगे, सो वी हैव 2 पेजेस, ठीक है। तो हम फर्स्ट पेज को कहाँ लाके रखेंगे, जहाँ पहला फ्रेम कौन सा फ्री है, फ्रेम नंबर 2, आर यू गेटिंग दिस। पेज नंबर 0 जो है पूरा पेज, अब इसमें 2 बाइट है 4 बाइट है कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे पेज को उठा के हम फ्रेम नंबर 2 में रख दे रहे हैं। ओके, फ्रेम नंबर 2 में रख दे रहे हैं। अब ये वाला हमने रख लिया है, अब फ्रेम नंबर 2 को हम लेके आएंगे, अब देखेंगे अब दूसरी जगह कहाँ खाली है, इसके लिए जगह कहाँ पे खाली है, फ्रेम नंबर 4 पे, क्योंकि 3 इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो इसलिए हम जो है फ्रेम नंबर सॉरी पेज नंबर 0 को फ्रेम नंबर 4 में रख रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, फटाफट रिप्लाई करो, क्या इसमें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जहाँ पे जगह खाली है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोग्राम को ऑलरेडी ये जानते हुए कि भाई मेन मेमोरी डिवाइडेड है, आई हैव डिवाइडेड माई प्रोसेस इन 2 पेजेस, ठीक है, एंड पेज साइज इज इक्वल्स टू फ्रेम साइज। तो हम क्या कर रहे हैं, पेज को उठा के जहाँ जगह खाली है हमने 2 में रख दिया और 4 में रख दिया, ठीक है। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ओके, यहाँ तक किसी को कोई नहीं है। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि भाई आप सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को उठा के लाके रख रहे हो मेन मेमोरी में, ठीक है। तो हम इसको कहाँ रख रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए या नहीं, ठीक है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज कहाँ गया मेन मेमोरी में, देयर शुड बी सम रिकॉर्ड, देयर शुड बी सम वे टू फाइंड आउट, और देयर शुड बी सम वे टू नो दैट वेयर प्रोसेस P1 हैज स्टोर्ड इट्स पेजेस इन मेन मेमोरी, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में लिया है इसलिए नहीं, जितने भी प्रोसेस होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, अगर वो अपने पेजेस को मेन मेमोरी में लाके रख रहे हैं तो वो अपना एक पेज टेबल क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि मेरा कौन सा पेज मेमोरी के कौन से फ्रेम में स्टोर किया गया है, आर यू गेटिंग दिस। फर्स्ट थिंग, मैंने मेन मेमोरी के फ्रेम्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया। ओके, पेजेस में डिवाइड करने के बाद मुझे जैसे जगह मिली, फ्री स्पेस, जो फ्री फ्रेम्स थे वहाँ पे हमने उसे रख दिया, ठीक है। अब हम ये रिकॉर्ड भी स्टोर करके रखेंगे कि मैंने अपने किस पेज को कौन से फ्रेम नंबर पे स्टोर किया हुआ है, ठीक
ठीक है, प्रोसेस P1 का रिकॉर्ड रखना है तो P1 को अपना एक पेज टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब वो पेज टेबल क्या है? ये दिस इज पेज टेबल फॉर P1। ओके, पेज टेबल फॉर P1 कैसे रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है? ये रख रहा है 0। 0 का मतलब है पेज नंबर 0। ठीक है, पेज नंबर 0 ऑफ P1, क्योंकि टेबल किसका है? ठीक है, इसी तरह अगर 10 प्रोसेस है, 20 प्रोसेस है, तो हर एक प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल होगा। ठीक है, तो फ्री चाहे 1 सेकेंड। ओके, सो पेज नंबर 0 कहाँ स्टोर है? चेक, पेज नंबर 0 हमारा स्टोर है 2 पे, मतलब फ्रेम नंबर 2 पे स्टोर है। ठीक है, पेज नंबर 1 कहाँ स्टोर हो रहा है? पेज नंबर 1 स्टोर हो रहा है 10, ठीक है, मतलब 4 पे, F4। यहाँ पे देख लो ना, पेज नंबर 1 कहाँ पे स्टोर हो रहा है? 4 पे। ठीक है, ओके, मतलब हमने अब पेज टेबल को क्रिएट कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा जो बेसिक इनिशियल वर्क था, आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब हमने क्या क्या काम कर लिया? अभी ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अभी एक कहानी बाकी है कि भाई जब सीपीयू आपका एड्रेस जनरेट कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस, देन हाउ दिस एड्रेस विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस इज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज एंड फिजिकल एड्रेस फॉर इज फॉर मेन मेमोरी। ठीक है, ओके, प्राइमरी स्टोरेज। एनी डाउट्स? आई डोंट नो यू गाइज आर मैसेजिंग मी और नॉट, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस, सो मैं प्रोसीड कर रही हूँ। ओके ओके, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक बहुत सिंपल है, मतलब मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, एंड इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी एट द सेम टाइम। मैं मैसेजेस भी आपके चेक कर रही हूँ कंटिन्यूसली। ओके, तो अब एक बार ये टॉपिक एंड कर देंगे तो फिर आपसे पूछ लेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ओके, अब ये प्रोसेस तो हो गया कि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा मेमोरी में आया, मेन मेमोरी में पेजेस के फॉर्म में डेटा आया है, फ्रेम में रखा गया है, और इसका रिकॉर्ड हर एक प्रोसेस अपने पेज टेबल में मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, अब अगला मुद्दा ये है कि भाई सीपीयू इज जनरेटिंग एड्रेस फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, देन हाउ यू विल एक्सेस द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी? मुझे तो मेन मेमोरी से डेटा लेना है। ठीक है, ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस एड्रेस इनटू मेन मेमोरी एड्रेस, दैट इज नोन एज फिजिकल एड्रेस। ओके, अच्छा, फर्स्ट यू शुड नो इन केस ऑफ पेजिंग, जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, सी दिस, जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड हाउ व्हाट आर दीज पार्ट्स? पार्ट नंबर, ठीक है, पहला है पार्ट नंबर, एंड दूसरा क्या है? ऑफसेट। ऑफसेट आप ऑलरेडी जानते हैं, सॉरी, पेज नंबर। पेज नंबर एंड ऑफसेट मतलब पेज साइज। वी आर डिवाइडिंग आर लॉजिकल एड्रेस इनटू टू पार्ट्स, पेज नंबर एंड पेज साइज और पेज ऑफसेट। ठीक है, एंड फिजिकल एड्रेस को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट। ठीक है, सो मेरे ख्याल से याद करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। वी आर डिवाइडिंग द प्रोसेस इनटू पेजेस, सो दिस इज पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, एंड वी आर डिवाइडिंग आर मेन मेमोरी इनटू फ्रेम्स, सो दिस इज फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट। ठीक है, अच्छा, तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की, जिसे आप MMU भी कहते हैं। ठीक है, ये काम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का है कि वो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कराए। ठीक है, और MMU इसे कैसे करता है? MMU इसके लिए मैपिंग करता है। ठीक है, आई रिपीट, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मीन्स MMU की है, और ये इसे कैसे करता है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। ठीक है, एंड हाउ दिस मैपिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड? इस मैपिंग को करने के लिए यू नीड पेज
table of the process for which logical address is being generated. Okay, अगर processor process 2 के लिए address generate कर रहा है, so you have to use page table of process 2 for mapping of logical address to physical address. If processor is generating address for process number 5, then you have to use page table of process 5, right? So मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना. इसके लिए उसे मैपिंग करनी पड़ती है और मैपिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल ऑफ द प्रोसेस फॉर विच प्रोसेसर इज जनरेटिंग द एड्रेस. ओके, फॉर विच लॉजिकल एड्रेस इज बीइंग जनरेटेड. ओके, अच्छा, अब लेट्स सी विद एग्जांपल कि किस तरह से प्रोसेसर address generate करेगा and how this address is being converted into what physical address. Okay, so let's see. Okay, पहली चीज, अगर let's suppose कि जो processor है वो process 1 के लिए address generate कर रहा है, ठीक है, so what is size. का एड्रेस इसके लिए अगर एड्रेस जनरेट करना होगा तो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, बिट्स कितनी चाहिए. 4 को 2 की पावर में कन्वर्ट करो इज इक्वल्स टू 2 पावर क्या हो जाएगा, 2 पावर 2, ठीक है. तो अगर आपका प्रोसेस साइज 4 है तो आपको 2 बिट चाहिए लॉजिकल एड्रेस के लिए, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस के लिए 2 बिट्स चाहिए. अच्छा, अब अगली चीज कि एड्रेस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हाट आर दोस पार्ट, पार्ट्स आर पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट. अब ये बताओ इस प्रोसेस में कितने पेजेस बन रहे हैं, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन प्रोसेस 1, देयर आर 2 पेजेस, राइट. और 2 पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको इसका एड्रेस बनाना है तो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी बिट्स यू नीड, यू नीड ओनली 1 बिट, 2 पावर 1 करो, सिंगल बिट्स इज रिक्वायर्ड. मतलब पेज 0 को आप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पेज 1 को आप 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो यू नीड सिंगल बिट टू रिप्रेजेंट द पेज नंबर, ठीक है. जब भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो भाई 2 पेज है तो 2 है तो 2 को पावर क्या, 2 की पावर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब पेज नंबर के लिए कितने बिट चाहिए, 1 बिट चाहिए, ठीक है. और हर एक का साइज क्या है, पेज का साइज क्या है, 2 बाइट. अगेन कन्वर्ट दिस इंटू 2 पावर तो ये 2 पावर बन जाएगा, ठीक है. तो पेज ऑफसेट के लिए क्या बन जाएगा, 1, ठीक है, ये आ गया हमारा 1. सो लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ 2 बिट्स एंड 1 एंड 1. अब इससे मुझे क्या समझना है, आप देखो एक एक बिट का है, ठीक है. अब अभी तो ये है कि एक एक बिट का है और उसमें स्टोर क्या, इसमें 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है. बट योर प्रोसेसर इज जनरेटिंग एड्रेस 1 एंड 1, इसका क्या मतलब हुआ, 1 एंड 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 मतलब लेट्स सी, पेज नंबर 1 ये है, ओके. पहला क्या बता रहा है, पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 मतलब 0 होता तो हम पेज नंबर 0 पे जाते, लेकिन सीपीयू क्या कह रहा है, मुझे क्या चाहिए, पेज नंबर 1 चाहिए, ठीक है. और क्या कह रहा है, पेज ऑफसेट 1. अगर ये 0 होता तो इस पेज का फर्स्ट बाइट, ठीक है, लेकिन अगर ये 1 है तो इस पेज का सेकंड बाइट, क्योंकि 0 फॉर 1 एंड 1 फॉर 2, ठीक है. यही तो होता है भाई, इसकी नंबरिंग अगर हम करेंगे तो ये 0 होगा कि नहीं, ये दिस इज 0th बाइट एंड दिस इज फर्स्ट बाइट, ठीक है. तो पेज नंबर 1 का बाइट नंबर 1 चाहिए, मतलब प्रोसेसर इज आस्किंग फॉर बाइट नंबर 3, जिसका 0, 1, 2, 3 नंबरिंग हमने की है, थर्ड बाइट के लिए एड्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है. अब जो है कन्वर्जन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, यही तो लॉजिकल एड्रेस है, हमें इसके फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्जन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है पेज टेबल की, ठीक. तो यहाँ से देखो ऑफसेट एज इट इज़ रहेगा,
मतलब जो आप लॉजिकल एड्रेस है, जब आप इसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑफसेट पार्ट होता है वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा, देखो फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, हमें जो काम करना है वो मुझे इस पे काम करना है, फर्स्ट पार्ट पे, मतलब पेज नंबर को हमें फ्रेम नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम है कि अच्छा हमें पेज नंबर 1 के बारे में जानना है, पेज नंबर 1 चाहिए। ठीक, तो अब हम आएंगे पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P1। ठीक है, कहाँ पहुँचेंगे, पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P1, यहाँ देखेंगे पेज नंबर 1, प्रोसेसर ने किसकी डिमांड की है, पेज नंबर 1 की। तो हम कहीं कहाँ जाएंगे, लेट सी, यहाँ से हम गए कहाँ पे, पेज नंबर 1। ठीक है, 1 के लिए हमने देखा कि ये कौन से फ्रेम में स्टोर्ड है, पेज नंबर 1 कहाँ स्टोर्ड है, आप लोग बताइए। यहाँ से क्या दिख रहा है, पेज टेबल क्या बता रहा है कि जो पेज नंबर 1 है वो फ्रेम नंबर 4 में स्टोर्ड है। ओके, फ्रेम नंबर 4 में स्टोर किया गया है पेज नंबर 1 को। ठीक, ऑफसेट, ऑफसेट को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लॉजिकल एड्रेस का जो ऑफसेट पार्ट है उसे ही एज इट इज उठा के हमने फिजिकल एड्रेस में रख दिया है। ठीक है, यहाँ से देखो हमने लाइन भी ड्रॉ कर। अच्छा भाई, हमें पेज टेबल से पता चला कि पेज नंबर 1 कहाँ पे रखा हुआ है, फ्रेम नंबर 1 में। ठीक है, सॉरी, फ्रेम नंबर 4 में। अब मुझे ये बताओ 4 का बाइनरी क्या होता है, व्हाट इज बाइनरी फॉर 4, 4 का बाइनरी क्या होता है, 4 का बाइनरी होता है 100, यही होता है, होता है नहीं, यस। तो 4 का बाइनरी जो है वो 100 होता है, यही 100 यहाँ पास हो जाएगा, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 100। आपका करंट एड्रेस क्या बन जाएगा, 100 1, और ये 1 कहाँ से आ रहा है, जैसा मैंने बताया लॉजिकल एड्रेस का जो सेकंड पार्ट था वो एज इट इज ट्रांसफर हो गया। सीपीयू देखो, लॉजिकल एड्रेस क्या जनरेट हो रहा था इस केस में, लॉजिकल एड्रेस वाज 1 1, एंड दिस एड्रेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 1 0 0 1। जिन्हें ये डाउट हो रहा हो कि मैम ये 100 कैसे हो गया, तो बेटा देखो फ्रेम नंबर, पहले हमने देखा पेज नंबर कौन सा चाहिए, पेज नंबर 1 चाहिए, तो पेज टेबल में गए, पेज नंबर 1 के लिए फ्रेम क्या है, ठीक है, फ्रेम नंबर 4 का बाइनरी क्या होता है, 100। सो यहाँ से 100 पास हुआ, और फिजिकल एड्रेस में फर्स्ट पार्ट में फ्रेम नंबर में क्या आ गया, 100। ठीक है, एंड आपके पास ऑफसेट पार्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया था लॉजिकल एड्रेस, मतलब 1, और इसके बाद 1001, 100 का मतलब 4, तो हम कहाँ आए, फ्रेम नंबर 4 पे। ठीक है, अब हम आएंगे फ्रेम नंबर 4, और इसका जो 1 है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, इसका जो ये वाला बाइट है, 9th बाइट ऑफ मेन मेमोरी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द सीपीयू। ओके, सो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पेजिंग। कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहानी शुरू हुई कि हमने पहले मेमोरी को, मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया, और इसके बाद हमने प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया, पेज स्टोर हुए आके मेन मेमोरी में। ठीक है, उसका रिकॉर्ड प्रोसेस टेबल में स्टोर हुआ, पेज टेबल हमने एक बना लिया। ठीक है, हर एक प्रोसेस का अलग अलग पेज टेबल बनेगा। ठीक, इसके बाद प्रोसेसर ने एड्रेस जनरेट किया, हमने ये देखा कि वो एड्रेस किस पेज के लिए है। ठीक है, पेज के लिए है तो अच्छा, ठीक है, पेज नंबर के लिए हमने देखा पेज टेबल में कि भाई फ्रेम नंबर क्या है, फ्रेम नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, हमारा फिजिकल एड्रेस फॉर्म हो गया, और उस फिजिकल एड्रेस का यूज़ करते हुए हम फ्रेम नंबर 4 पे पहुंच गए। वहां से मुझे सेकंड बाइट चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा था, तो उस सेकंड बाइट को कहाँ पे रख दिया गया, प्रोसेसर को ट्रांसफर कर दिया गया, एंड दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पेजिंग। अब यहाँ पे आपको कोई डाउट आ रहा हो तो यू कैन आस्क। ओके,